मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते शुक्रवार शनिवार की रात 3 बजे एक तरफा प्यार में अग्निकांड में 7 लोगों के जिंदा जलने की मौत की खबर सामने आई थी। इस मामले में अब सनकी युवक को फांसी की सजा देने की मांग उठने लगी है। इस संबंध में इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चौरी मिश्र का कहना है कि आरोपी का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुना जाएगा, 1 माह के भीतर उसे सजा जरूर दिलाई जाएगी। इंदौर पुलिस कमिश्नर के अनुसार आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लिए गए हैं। वहीं मंगलवार देर शाम कुछ लोग थाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए उसका प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष चलाने की मांग की है। बता दें कि शुक्रवार शनिवार की रात 3 बजे विजयनगर इलाके की स्वर्णबाग कॉलोनी में स्थित 2 मंजिला इमारत में आग लगाने वाले शुभम उर्फ संजय दीक्षित को पुलिस ने 15 मई तक रिमांड पर लिया है। इससे पहले मंगलवार शाम को शहर के ही परदेशीपुरा इलाके के कुछ लोगों ने विजयनगर थाने पहुंचकर आरोपी का प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के साथ साथ फांसी दिलाने की मांग की है। हादसे में मृत नीतू सिसोदिया का मायका परदेशीपुरा इलाके में था, इसके चलते रहवासी संघ के लोग थाने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।